हर हार के बाद एक इंट्रोस्पेक्शन होती है, हर हार के बाद एक अपॉर्चुनिटी होती है, हर हार के बाद एक तब्दीली की जरूरत होती है। और मैं समझता हूं कि ये वो वक्त आ गया है पाकिस्तान की क्रिकेट को कंप्लीट रीवैम्प होने की जरूरत है। चले हारने का भी तरीका होता है, मगर अगर आप ऐसे हारेंगे इतने एक नो शो के बाद, यानी कि फिजल आउट हो गया मुकाबला, यानी कि जैसे पाकिस्तान जो है वो इस मुकाबले में आई नहीं, तो फिर तो फैंस खफा होंगे, फिर आपके सिस्टम भी चैलेंज होगा, फिर आपकी कप्तानी भी चैलेंज होगी, फिर स्किल्स भी चैलेंज होंगी, और उसके बाद फिर अगर आप प्रेशर पॉइंट्स अच्छे नहीं खेलेंगे 40 करके फिर आउट हो जाएंगे, गलतियों से सीखेंगे नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर आपको प्लेयर्स को बाहर करना है और नए प्लेयर्स को लेके आना है, और ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। इसलिए कि मेरा मानना है कि 38 साल के साथ आप कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। आपका जो लीडर ऑफ द पैक नहीं था, आपके जो लड़कों की स्किल्स लेवल है वो इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों में नीचे चले गए हैं, और एक जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टैग है जिसको प्रॉमिस किया गया था कि हटाएंगे, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टैग जो है वो बहुत ही नुमाया हो गया। इनफैक्ट 5 साल का वक्त मिलता है पाकिस्तान को प्रिपेयर करने के लिए वर्ल्ड कप के लिए।